रिजिजू की केंद्रीय कानून मंत्री पद से छुट्टी। अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय की सौंपी गई जिम्मेदारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीतिश श्रीवास्तव। स्वागत है आपका बात मुद्दे की में। आज मुद्दे की बात में मुद्दा बने हैं साइकिल से संसद जाने वाले अर्जुन राम मेघवाल। आज बात इसी पर होगी। मोदी कैबिनेट में एक बड़े फेरबदल का ऐलान किया गया है। अब तक कानून मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे किरेन रिजिजू का मंत्रालय बदला गया है। उनकी जगह पर अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने यह फैसला किया है। आपको बता दें, किरेन रिजिजू के पहले जुलाई 2021 में रविशंकर प्रसाद से भी इसी तरह कानून मंत्रालय छीन लिया गया था। कानून मंत्री के तौर पर रिजिजू के कार्यकाल में जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर उनके और न्यायपालिका में टकराव की खबरें अक्सर सुर्खियां बटोर रही थीं। रिजिजू शीर्ष न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति वाले कोलोजियम सिस्टम पर सार्वजनिक तौर पर तीखे हमले करते रहे हैं। वो इसे अपारदर्शी सिस्टम बताते हैं और इसकी आलोचना करते रहते थे। इतना ही नहीं, आपको बता दें, कानून मंत्रालय से किरेन रिजिजू की छुट्टी पर पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर मजे भी लिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा, किरेन रिजिजू कानून नहीं, अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कानूनों के पीछे का विज्ञान समझना आसान नहीं होता, अब विज्ञान के कानूनों के साथ भिड़ना। गुड लक माई फ्रेंड। आपको बता दें, अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान से आते हैं। वो बीजेपी के बड़े दलित चेहरों में से एक हैं। वो अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। अक्सर उन्हें साइकिल चलाते हुए काम पर जाते हुए देखा जाता है। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने कानून मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी दिए जाने को राजस्थान साधने की कोशिश के तौर पर भी देखा जाता है। किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय छीन लिया गया है, अब अर्जुन राम मेघवाल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपने सरल जीवन के लिए प्रसिद्ध मेघवाल वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री, पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और केंद्रीय जल संसाधन गंगा विकास मंत्री, बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। अर्जुन राम मेघवाल का जन्म 7 दिसंबर 1954 में हुआ। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 2009 में हुई थी, जब भाजपा के टिकट पर बीकानेर लोकसभा से पहला चुनाव जीता था। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दूसरी बार सांसद निर्वाचित हुए। केंद्र सरकार में वित्त और कंपनी मामलात राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री रहे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीकानेर से लगातार तीसरी बार सांसद निर्वाचित हुए। बताया जाता है कि केंद्रीय मंत्री को सरकार की तरफ से कार दी गई है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल करने की बजाय साइकिल से चलना ज्यादा पसंद करते हैं। वो शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति भवन की साइकिल से ही पहुंचते हैं और पहुंचते थे भी। पूर्व नौकरशाह होने से सरकारी कामकाज की अच्छी समझ, वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री रहते हुए अच्छा काम किया। मेघवाल को प्रधानमंत्री मोदी की पसंद माना जाता है। आपको बता दें, मेघवाल की जीवन यात्रा बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मेघवाल ने राजस्थान के बीकानेर में रॉबर्ट वाड्रा के कथित अवैध भूमि सौदे को प्रकाश में लाने का काम किया था, जिसके बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए थे। इतना ही नहीं, 13 साल की उम्र में बीकानेर के किस्मीदेसार गांव के एक पारंपरिक बुनकर परिवार में जन्मे मेघवाल की शादी मात्र 13 साल की उम्र में हो गई थी। पिता के साथ बुनकर के रूप में काम करते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। बीकानेर के श्री डूंगर कॉलेज से उन्होंने बीए की डिग्री पाई और उसी संस्थान से वकालत की स्नातक की डिग्री भी हासिल की। आपको बता दें, पढ़ाई पूरी करने के बाद मेघवाल ने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। उन्हें भारत डाक और तार विभाग में टेलीफोन ऑपरेटर का पद मिला। राजनीति में उनकी शुरुआत तब हुई जब वो टेलीफोन ट्रैफिक एसोसिएशन का चुनाव लड़े और महासचिव चुने गए। टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम करते हुए मेघवाल ने दूसरे प्रयास में राजस्थान राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर ली। नौकरशाहों की शीर्ष टोली में इन्हें तब जगह मिली जब इनको भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के अधिकारी के रूप में प्रोन्नति मिली और राजस्थान के
चूरू के जिलाधिकारी बने। आपको बता दें साल 2009 में भाजपा ने मेघवाल को बीकानेर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट का प्रस्ताव दिया। वो जीत कर संसद सदस्य बन गए। उसी संसदीय क्षेत्र से मेघवाल साल 2014 में फिर निर्वाचित हुए। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए बात मुद्दे की सिर्फ N27 न्यूज पर। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।